बीजेपी के अंदर विधानसभा चुनाव के साथ शुरू हुई खींचतान चित्तौड़गढ़ जिले में कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के राजनीतिक अदावत के किस्से थे, तो अब पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। मंगलवार रात को चित्तौड़ में हुए होली मिलन समारोह के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट को मंच पर जाने से रोक दिया। इस घटनाक्रम को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो हर कोई हतप्रभ रह गया। पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट के कार्यकर्ताओं में इसके बाद खासी निराशा है और उनका कहना है कि आखिर किसके इशारे पर यह सब हुआ है ये स्पष्ट किया जाए, क्योंकि मंच पर इतनी जगह थी कि बद्रीलाल जाट सहित अन्य नेता भी जोशी के पास जा सकते थे और वहां ऐसे लोग भी थे जिनकी आवश्यकता मंच पर थी ही नहीं। आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव लड़े चंद्रभान सिंह आक्या के सामने बीजेपी प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में सीपी जोशी के समर्थक राजवी के साथ थे। तभी से चली आ रही राजनीतिक अदावत ऐसे मौकों पर कई बार खुलकर सामने आ जाती है। जानकारी में सामने आया है कि कार्यक्रम के दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आक्या मौजूद थे, वो काफी देर कार्यक्रम में रुके भी रहे, लेकिन इसके बाद लोगों से मिलकर उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी और वहां से रवाना हो गए। मंगलवार को हुआ घटनाक्रम जिस किसी ने भी देखा उसने बस यही कहा कि ये लोग तो आपस में मिल चुके हैं लेकिन इनके दिल कभी मिल भी पाएंगे या नहीं, या इसका खामियाजा कहीं बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में तो भुगतना नहीं पड़ेगा। देखिए चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।